है ए वर्क्स फॉर 2 डेज देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 9 डेज इफ ए वर्क्स फॉर 3 डेज देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी डू दिस वर्क एलोन। देखिए क्वेश्चन को का कहने का मतलब है कि किसी कार्य किसी वर्क को ए 2 डेज करता है, उसके बाद ए ने काम करना बंद कर दिया और जो बाकी काम है उसको बी कंप्लीट करता है 9 डे में। फिर सेकंड कंडीशन देता है इफ ए वर्क फॉर 3 डेज देन बी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। तो कहता है दोनों उस वर्क को एलोन इंडिविजुअली कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपसे बताएं कि टोटल वर्क क्या होता है। टोटल वर्क होता है नंबर ऑफ वर्किंग डेज, कितने दिन आपने काम किया, और इफिशियंसी ऑफ वर्कर। इफिशियंसी ऑफ वर्कर का मतलब एक दिन में उसकी इफिशियंसी कितनी है, यानी एक दिन में वो कितने यूनिट वर्क को कंप्लीट करता है, उस टोटल वर्क का कितना पार्ट एक दिन में कंप्लीट करता है मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्क्स जो होता है, वर्किंग डेज होता है, वो टोटल वर्क के बराबर होता है। तो यहाँ हमने क्या किया, ए की इफिशियंसी को ईए मान लिया और बी की इफिशियंसी को ईबी मान लिया। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट केस है उस केस में क्या है, ए जो है वो 2 डेज वर्क कर रहा है, तो ए का टोटल वर्क कितना हुआ, ए ने कितना टोटल वर्क किया, जो भी वर्क होगा उसका कितना पार्ट ए ने कंप्लीट किया, तो ए की इफिशियंसी ईए मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी ईए मल्टीप्लाइड बाई 2। फिर बाकी के जो वर्क हैं उसको कंप्लीट करता है बी 9 डेज में, यानी प्लस बी का, बी ने टोटल वर्क कितना किया, तो बी की इफिशियंसी ई मल्टीप्लाइड बाई 9 रिमेनिंग डेज में, 9 डेज में वो वर्क कंप्लीट करता है, यानी वो टोटल वर्क ए जो 2 दिन करता है वो ईए मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ईबी मल्टीप्लाइड बाई 9, ये हो गया आपका 2ईए प्लस 9ईबी। अब सेकेंड केस में क्या कहता है, ए 3 डेज वर्क किया था किया उसके बाद बी ने उस कार्य उस वर्क को कंप्लीट किया 6 डेज में, यानी ईए मल्टीप्लाइड बाई 3, ए 3 डेज वर्क किया उसकी इफिशंसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो उतना वर्क ए ने कंप्लीट किया और बी ने रिमेनिंग वर्क को 6 डेज में कंप्लीट किया, यानी ईबी मल्टीप्लाइड बाई 6, यानी ये हो गया 3ea प्लस 6ab। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आप देखो तो जो वर्क है वो या तो पहले केस में भी जो वर्क डन टोटल वर्क डन और सेकंड केस में जो टोटल वर्क डन दोनों इक्वल ही तो होंगे, वर्क तो दोनों इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो वही हमने किया है, इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू को यहाँ हमने इक्वल कर दिया है। तो ये 2ea है और यहाँ पर ये क्या है, 3ea है, तो 2ea इधर आएगा तो ea 3ea में से सब्सट्रैक्ट होगा तो ea बचेगा, और ये 9ev है, 6ev इधर जाएगा तो ये 3ev बचेगा, यानी ea अपॉन ev की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/1 हो जाएगी। यानी अब आप इससे देखो तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू 3/1, इट मीन्स इफिशियंसी ऑफ ए इज 3 एंड इफिशियंसी ऑफ बी इज 1। इट मीन्स ए जो है एक दिन में 3 यूनिट वर्क को कंप्लीट करेगा, बी जो है एक दिन में 1 यूनिट वर्क को कंप्लीट करेगा, इस इफिशियंसी का यही मतलब होता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, इफिशियंसी हमें पता चल गई, नंबर ऑफ डेज हमें पता है, तो क्या होगा टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, तो इसमें हमने जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया 2ea प्लस 9ab, तो ea इफिशियंसी ऑफ ए की ए है 3 और ये इफिशियंसी ऑफ बी है 1, तो ये क्या आया 15 यूनिट्स आया, तो टोटल वर्क आया 15 यूनिट्स। तो ए को कितना दिन लगेगा एलोन अकेले कंप्लीट करने में, तो अभी आपको बताया था टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्किंग डेज मल्टीप्लाइड बाय इफिशियंसी, तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी,
तो यही किया है यहाँ, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी, यानी टोटल वर्क हमने निकाला 15 यूनिट्स डिवाइडेड बाई इफिशियंसी ऑफ ए 3 यूनिट्स, ये कितना आया 5 डेज, यानी ए को 5 डेज लगेंगे अकेले ए जो है उस वर्क को कंप्लीट कर देगा। सिमिलरली बी जो है कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क 15 और उसकी इफिशियंसी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 15 डेज, यानी बी को 15 डेज लगेंगे उस वर्क को इंडिविजुअली कंप्लीट करने में। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 5 एंड 15 डेज, ए 5 डेज में कंप्लीट करेगा, बी 15 डेज में, बी ऑप्शन इज करेक्ट। हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच।